नेटवर्क के दादा देखते हैं एक छोटा सा क्लिप। मैंने अपने करियर की शुरुआत एक शॉप ओनर के तौर पे की थी, लेकिन कुछ ही सालों में एक जैसे रूटीन की वजह से मैं बोर हो गया था। कुछ नया होता ही नहीं था, जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं था। तब मैंने डिसाइड किया कुछ नया करने का। इत्तेफाक से मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गया। पिछले 15 वर्षों से मैं नेटसअप के साथ काम कर रहा हूं। अब तक मैंने नेटसअप से 15 करोड़ का लिजिटिमेट कमीशन कमाया है। मेरी यह जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, जो आज भी मुझे रोज फील्ड पे जाने और कुछ एक्साइटिंग करने के लिए मोटिवेट करती है। इफ आई कैन यू कैन। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, तब तक मुझे कुछ मालूम नहीं था।
सपने बड़े बड़े पूरे हो सकते हैं। चालू किया उसके साथ काम, 3 साल काम किया 2 अलग अलग कंपनियों में, मेहनत करता था, मुझे पैसे आने स्टार्ट कंपनी पर। एक बार हुआ ठीक, दूसरी बार मेरा मेहनत चालू, मुझे पैसा आना चालू कंपनी पर। 3 साल में मुझे इतना तो समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग या ऐसी सिस्टम है एक सामान्य आदमी को असामान्य बना सकती है, लेकिन उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। अभी अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी कंपनी, मेरी ये खोज नेटवर्क में आके खत्म हो गई। मैंने सोच लिया अभी मैं नेटवर्क के साथ काम करता हूं, बड़े बड़े सपने पूरे करने का यही एक मार्ग है। लेकिन सारी बिजनेस चालू था तो मैंने समझ लिया कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस तो भले पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन 2 चीजें तो लगानी पड़ेगी, एक खुद का समय और दूसरा मेरे पहचान के लोग। तो मैं सारी बिजनेस मैंने जो करता था उसका टाइमिंग बना दिया 10 से 6, और 6 के बाद मैं चालू करता था नेटवर्क का काम, फिर रात को 12 बजे के 1 बजे, और मेरे वीकली ऑफ होता था सारी बिजनेस का मंडे। उस दिन मैं पुणे से बाहर जाता था 250 किलोमीटर कोल्हापुर, जहां पर मेरे दो मित्र थे किरण लाटकर योगेश खंडे, उनके साथ काम करता था। एक भी दिन छुट्टी नहीं, रोज शाम को नेटवर्क का काम, मंडे के दिन आउटर स्टेशन। धीरे धीरे वहां पर टीम बनना स्टार्ट हो गई, पुणे में भी टीम थी, टर्नओवर बढ़ने लगा, पेआउट बढ़ने लगा, पॉकेट भी बढ़ने लगे। तो अभी टाइम देना जरूरी था, तो मैंने धीरे धीरे एक एक दिन मेरे सारी बिजनेस का काम करना चालू किया, और एक एक दिन मैंने नेटवर्क के बिजनेस के लिए बढ़ाना स्टार्ट किया। फिर मुझे यह बात समझ में आ गई कि जिस स्पीड से मैं कर सकता हूं वो स्पीड नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं 2 डगर पर पैर रखकर खड़ा था। 2.5 साल बाद मैंने एक डिसीजन लिया, सारी बिजनेस बंद, फुल टाइम नहीं ओवर टाइम नेटवर्क का काम करूंगा। अभी डिसीजन ले लिया, पॉकेट बन गए थे, फुल टाइम ओवर टाइम काम करने की वजह से क्या हुआ, और पॉकेट बढ़ने लगे, टीम बढ़ने लगा, पैसे आने लगा, 54 लाख रुपए टोटल इनकम हो गया। मुझे लगा कि सभी सपने पूरे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, टीम बन गया, टीम का काम करेगा, और कॉन्फिडेंस आ गया। बड़े बड़े सपने थे, 4 व्हीलर लेना सपना होता है लोगों का, मैंने एक नहीं 3 4 व्हीलर लिए, एक ट्रैक लिया, और कॉन्फिडेंस। मेरा मेजर पॉकेट था पश्चिम महाराष्ट्र शुगर मिल, बायोटेक के जबरदस्त डीजल। एक दिन केतन सर के पास गया, बोला सर ये बहुत हो गया टाइम पास, ये नेटवर्किंग, इसको मिलो, इसको ज्वाइन करो, उसको ज्वाइन करो, मेरे अंदर का होलसेल बिजनेस मन अभी जग गया है। अभी देखो मैं ये शुगर फैक्ट्री से, ये दूध डेयरी फार्म से करोड़ों रुपए का बिजनेस लाता हूं। मुझे लगा किरण योगेश ये सब लोग बाकी नेटवर्क संभालेंगे, मैं अलग काम करता हूं। चालू कार्यक्रम अपना, जाओ चेयरमैन के पास, ये सब पॉलिटिशियंस ये मुझे दौड़ाते थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 8 महीने के बाद चेक आया 2200 रुपए का, नेटवर्क के माध्यम से चेक आया 2200 रुपए का, टोटल इनकम था 54 लाख, चेक आया 2200 रुपए का। उस दिन मैं समझ गया कि 8 महीना इनके पीछे लग के मुझे क्या मिला। अभी मुझे 2200 रुपए का चेक आया तो नीचे क्या रहेगा। गलतियां हुई थी 100% हुई थी, अभी क्या करना चाहिए। सीधा केतन सर के पास गया, सर मेरी गलतियां हुई है, क्या हुई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताओ। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, कागज पेन लो और अपने आप गलतियां लिखो। मैंने गलतियां लिखना स्टार्ट किया, टीम की तरफ ध्यान नहीं, शेड्यूल नहीं, टीम में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप बन गया है, और जो बेसिक करना चाहिए वो छेड़ छोड़ के कुछ अलग ही कर रहा है,
मैंने लिया, घर किसने बेचा, मैंने बेचा, तेरे बाप का क्या है। एक साल रुक, तेरे को दिखाता हूं क्या होता है, वहां से खर्चा है। फिर उसको ये चैलेंज क्यों बोल सका मालूम है, क्योंकि मुझे मेरी गलतियां समझ में आ गई। घर पे आया, माँ को और बीवी को सामने बिठाया, बोला लोगों को जो बोलना है वो बोलने दो, मैं तुमको क्या बोल रहा हूं देखो, मुझे एक साल का टाइम दो, मुझे मेरी गलतियां समझ में आ रही है, मेहनत कर रही है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साल का टाइम दो, एक साल में मैं दुनिया वापस बदल के दिखाता हूँ। उनको विजन दिखाया, उनको कॉन्फिडेंस दिया, वो दोनों बोली जो करना है बिंदास कर। उधर से मैंने काम स्टार्ट किया। अब ये काम का तरीका कैसा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहले मैंने शांत बैठे सोचा मेरा कहां कहां टीम है, बहुत जगह थी लेकिन मैंने चार जगह से ये की। महाराष्ट्र के चारों डिस्ट्रिक थे, एक था नांदेड़, दूसरा था परली वैजनाथ, तीसरा था सोलापुर और चौथा था कोल्हापुर। बुधवार के रात को स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से नाइट जर्नी करके मैं नांदेड़ जाता हूँ। वहां जो वक्त उनको बता रहा आपकी गेट लेता हूँ, मैं सेमिनार लेता हूँ, उनका सेमिनार में लेता था। सेमिनार खत्म होने के बाद जो ज्वाइन लोग है उनका एक घंटे का मीटिंग लेता था। उसके बाद जो मेरे की लीडर से वहां के उनके साथ रात को बैठता था जब तक लास्ट बस नहीं आती, और लास्ट बस में बैठ के परली वैजनाथ, सेम परली वैजनाथ पे करता था। उधर से रात को निकल के सोलापुर, सोलापुर से निकल के कोल्हापुर, कोल्हापुर से घर पे, ये मेरा पूरे हफ्ते में चार दिन का शेड्यूल होता था हाउस स्टेशन का। मंगलवार का दिन लोकल काम होने का, बुधवार को दोपहर में केंद्र सर के सामने, सर लास्ट वीक ये किया है, अभी आगे ये करना चाहता हूं, मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए, आप मुझे बोलो। केंद्र सर बोलते थे ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। मैंने उनकी सभी बातें नहीं मानी, मैं सच बोल रहा हूं सभी बातें नहीं मानी। उन्होंने जो भी बोला मैं उनको बोलता सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो मुझे क्लियर कट दिखाई दिया उसमें मैंने कभी आरएनडी नहीं की। आरएनडी का मतलब समझो ना, उसमें कुत्ता छटा पाव किलो नहीं डाला। जो बोला जो क्लियर कट दिखाई दिया वो 101% इंप्लीमेंट किया। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि एक साल के बाद जो 2200 रुपए का चेक था वो 1,23,000 का हो गया था। वो नेटवर्क का सबसे हाईएस्ट चेक था। अभी ये शेड्यूल फिक्स था, टीम में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया, टीम में छोटे छोटे लीडर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। मैं बोला जो गलतियां मैंने की यही गलतियां ये लोगों से नहीं होनी चाहिए। फिर से गलतियां करना मतलब गधा बोल सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, मैं बोला ये जो टीम है इसमें डिसिप्लिन की जरूरत है, यहां सिस्टम लगाना जरूरत है। मैंने सभी लीडर्स को बोला, लीडर मतलब उस समय ऑप्शन नंबर जो थे इन सबको बोला, हर एक का रहेगा एक खुद का कैबिनेट सिस्टम बनाया, जिसका कैबिनेट रहेगा उसके कैबिनेट में हर एक जो लीडर है उसका छोटा उसका टीम फाइनल रहेगा, ये लीडर का शेड्यूल फाइनल रहेगा, 15 दिन का वो मुझे भेजेगा, टारगेट मुझे भेजेगा, रोज टीम में कितना काम हो रहा है उसका डेली रिपोर्ट मुझे भेजेगा। रात को 12 बजे के बाद जिसका नहीं आया मैं फोन लगाता था, क्या हुआ तेरा मैसेज नहीं आया। बहुत तेरे लोगों को तकलीफ हुई लेकिन मुझे भरोसा था, इंसान धोखा दे सकता है सिस्टम धोखा नहीं देगी। मेरे भी टीम में बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, लेकिन सिस्टम की वजह से मैंने बाद में कभी डाउनफॉल नहीं देखा। एक बार देखा उतना ही देखा, बाद में कभी भी नहीं देखा। अभी ये सब जो हो रहा था, सपने पूरे हो रहे थे क्या? सपने पूरे हो रहे थे क्या? सपने, बड़े बड़े सपने जो मैंने देखे थे वो तो पूरे हो रहे थे, जो नहीं देखे थे वो भी पूरे हो रहे थे। पहला सिविक कार मैंने लिया था, नेक्सट में पहला मर्सिडीज बेंज मेरा आया था, नेक्सट में पहला टूटलेस फ्लैट मैंने
मैं आपसे दो बातें लास्ट में शेयर करता हूं, दो बातें। पहली बात ये, खुद को कॉन्फिडेंस हो कि मैं कर सकता हूं, खुद देखो कि यहां पे मुझे जाना है, यही कॉन्फिडेंस टीम में दो, यही कॉन्फिडेंस टीम में दो, यही टीम के लोगों को विजन दिखाओ कि आगे क्या होगा तुम्हारा, यही कॉन्फिडेंस फैमिली को दो और फैमिली को भी विजन दिखाओ आगे क्या होगा हमारा, क्योंकि आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, आप जीतोगे। फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, आपके कितना भी ताकत रहेगा आप पीछे रह जाओगे। तो कॉन्फिडेंस उनको दो, टीम को दो, फैमिली को दो, उनको विजन दिखाओ। इसके बाद दूसरा काम ये कर सकते हो आप, जो मैंने क्या वही आप चीज शेयर करता हूं, जो भी करना है जब तक क्लियर कट सामने दिखता नहीं तब तक गुंडी मत लगाओ, और जब समझ में आएगा उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करते समय आपको तीन प्रॉब्लम आ सकते हैं, अगर बड़ा काम करना है और उन्हें कोई आइडिया इम्प्लीमेंट करनी है तो अकेला कर सकता है या हमारा टीम बिजनेस है, तो टीम में सभी लोगों के साथ हमको इकट्ठा आकर काम करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी अंतर सदस्यों का नाम लेकर तो मुझे गुस्सा आता है। हम इसके साथ काम कर रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज करके काम कर रहे हैं, मानसिक तकलीफ होती है इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, होने दो मानसिक तकलीफ, इम्प्लीमेंट करो। अगर बड़े सपने पूरे करने हैं फील्ड में जाना पड़ेगा, रोज तीन तीन टाइम लगता है, कभी कभी एक टाइम मिलेगा, सोने के लिए बेड नहीं मिलेगा, ऐसी स्टैंड पे बैठना पड़ेगा, खुद को तकलीफ देनी पड़ेगी, शरीर को इम्प्लीमेंट करते समय शरीर को तकलीफ होगी, सहना पड़ेगा, और फिर टीम चलानी है। नेटवर्क मार्केटिंग है, भले इन्वेस्टमेंट नहीं है कौन सा इनिशियल, लेकिन भीतर की इन्वेस्टमेंट है, जिंदगी छोड़ के टीम में अच्छे माहौल पैदा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पैसे का। तकलीफ हो रही है सहन करो, क्योंकि नेक्स्ट हर पहला दिन का कितना देता है, तो महीने का कितना हुआ, तो साल का कितना हो गया, तो यह आर्थिक तकलीफ है क्या, नहीं है। खुद को मानसिक तकलीफ हो रही है होने दो, शरीर पर तकलीफ हो रही है होने दो, आर्थिक तकलीफ आज उठाओ कल का दिन रहेगा आपका।
लेकिन 8-19 भूखे रहेगा।